एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हम मिशेल को देखते हैं क्रैवेड में और वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, हर जगह हर वक्त। जब से हम फ्लाइट में से बाहर निकले हैं तब से हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। जेरिट ने शादी कर ली, बैन ने अपना घर छोड़ दिया, हर दिन हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए एक अलग चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया। इतना ही नहीं, जब गवर्नमेंट के इनलीगल प्रोजेक्ट लगभग ख़त्म होने वाले थे तब आखिर में मैं जेरिड को खोने वाली थी, लेकिन लोगों का प्यार और उनके भरोसे के बदौलत अब सब कुछ ठीक होने लगा है और इस तरह से मैं भी अपनी लाइफ फिर से जी सकती हूँ। आगे हमें एक बड़ा सेंटर दिखाया जाता है जहाँ सभी पैसेंजर को चेयर पे बिठाया होता है और उन्हें संभालने का काम अल्टिमा कॉक्स कर रही होती है। तभी उसके सीक्रेट फोन पर एक मैसेज आता है, नीड टू हियर फ्रॉम यू और योर डिटेल इज ऑफ। इसका मतलब यह है कि तुम्हें जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर तुम हो, लेकिन तुमने मैसेज भेजना बंद कर दिया है। तभी अचानक से सभी पैसेंजर को एक साथ एक झटका लगता है और क्रॉक्स हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर सेल्वी और फ्लोना आ जाती है। क्रॉक्स उसे बताती है कि ये सभी पैसेंजर एक साथ वर्क कर रहे थे, मानो कि एक दूसरे से वो कनेक्ट हो। तभी देखते देखते फिर से एक बार सेम एक्शन रिपीट होता है। सेल्वी और फ्लोना उन लोगों को चेक करने की कोशिश करती है। सेल्वी कहती है, हमें जल्द से जल्द सभी पैसेंजर को अलर्ट करना होगा और उनसे बात करनी होगी। फ्लोना कहती है, 191 पैसेंजर है और सभी से बात करना और उन्हें कन्विंस करना, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन सेल्वी कहती है, हमें उनसे बात करनी होगी इन सब के बारे में। फ्लोना कहती है, क्या लगता है तुम्हें, वो लोग हमें कॉर्पोरेट करेंगे? सेल्वी कहती है, पता नहीं, लेकिन हमें उन्हें ये सब कुछ बताना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आगे हमें बैन दिखाया जाता है और वो अभी भी सभी पैसेंजर की लिंक एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जोड़ नहीं पाता और इस वजह से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सामान इधर उधर फेंकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो उसे कहती है कि ये मेरा अपार्टमेंट है, तुम ऐसे ही यूँ ही चीज़ें यहाँ पर वहाँ पर फेंक नहीं सकते। यहाँ पर हमें पता चलता है जब बैन ने अपना घर छोड़ दिया था तब वो मिशेल के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने लगा है। बैन कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम कहाँ गई थी? मिशेल कहती है कि मैं मॉम से मिलने गई थी। तब मिशेल उसे आगे पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे? बैन कहता है, मैं अभी भी स्कैल की लिंक और मार्को की लिंक से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। मिशेल कहती है, अभी तक 10 दिन हो चुके हैं और हमें अभी भी कोई वॉइस ओवर या कॉलिंग नहीं सुनाई दी, मुझे लगता है ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है उस ब्लास्ट के बाद। तब बैन उसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है? मिशेल कहती है, मे बी, शायद मुझे ऐसे लगता है। तभी बैन वहाँ से जाने लगता है। मिशेल उसे पूछती है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो? बैन कहता है कि इस सब के बारे में पता लगाने। मिशेल उसे कहती है, तुम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो? बैन कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, पर मैं एक पिता हूँ और पिता का फर्ज बनता है कि बेटे को प्रोटेक्ट करना। बैन आगे कहता है, ज़रा तुम सोच कर देखो, स्कैल को कैसे पता चला उस सीक्रेट सेंटर के बारे में, और ऐसी कई सारी बातें हैं जिसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अपने बेटे को बचाने के लिए या शायद खुद को। और इतना कहकर बैन वहाँ से चला जाता है। आगे हम जेरिड को देखते हैं जो कि अभी अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ हम स्कैल और ऑलिव को देखते हैं और वो एक साथ बात कर रहे होते हैं। ऑलिव कहती है, ये जो भी कुछ हुआ है ये सब कुछ गलत हुआ है। तभी ग्रेस उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। ऑलिव कुछ बहाना बनाकर वहाँ से बिना कुछ खाए पिए चली जाती है। स्कैल अपनी मॉम से पूछता है कि डैड कब आएंगे। ग्रेस कहती है कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं, तुम उनकी चिंता करना छोड़ दो। तभी स्कैल भी अपने डैड से मैसेंजर के थ्रू बात करता है। तभी हमें पता चलता है कि बैन भी अपने बेटे से मैसेंजर के थ्रू बात कर रहा होता है। साथ ही वो उस जगह पर खड़ा होता है जहाँ डायरेक्टर का फ्यूनरल चल रहा होता है। तभी उसके होने की खबर को डायरेक्टर को पता चल जाती है और वो उसके पास आकर उसे कहता है कि तुमने डायरेक्टर को मार दिया और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। बैन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है और उसी वक्त एक लड़का उसे फॉलो करते करते उसके पास आता है और वो कहता है कि मेरा नाम आरम ग्लोवर है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं फ्लाइट 828 के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने देखा कि वो ऑफिसर ने आपको जाने को कहा। बैन उसे कहता है कि देखो, ये गवर्नमेंट का सीक्रेट मिशन था और मैं किसी भी प्राइवेट एजेंसी से इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। तुम बेकार में मेरे पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। एरन बैन से कहता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, मुझे पता है आप किसी मेजर की तलाश कर रहे हो और मैं ये नाम जानता हूँ। और ये नाम सुनकर बैन थोड़ा सा रुक जाता है
वो उसे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। एरन कहता है कि कुछ खास नहीं, लेकिन तुम्हें एक बार मेरे ब्रॉडकास्ट पे आना चाहिए। और इतना सुनकर बेन वहाँ पे उसको बिना कुछ रिएक्शन दिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रिसर्च सेंटर में मिशेल और सेल्वी को देखते हैं। मिशेल वहाँ पे पैसेंजर को देखने आई होती है और सभी पैसेंजर बेजान की तरह बैठे हुए होते हैं, मानो कि उनमें कोई भी जान नहीं हो। मिशेल सामने बैठे पैसेंजर को हाथ लगाती है, तभी उसे एक कॉलिंग आती है और ये कॉलिंग कुछ अलग तरह से आती है। फाइंड हर, मतलब ढूंढो उसे। वो पैसेंजर एकदम से होश में आता है और रिएक्शन करने लगता है। सेल्वी उसे पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। मिशेल कहती है मुझे नहीं पता। तभी सेल्वी और मिशेल उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो आदमी कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं कि वो लोग ने मुझे और बाकियों को कहाँ लेकर गए थे। मिशेल उसे कहती है कि तुम शादीशुदा हो। वो आदमी इसके ऊपर रिएक्शन देता है और कहता है क्या सच में मैं शादीशुदा हूँ। आगे सेल्वी और मिशेल अलग जाकर बात करते हैं। सेल्वी कहती है इसे इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी देने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। और वो आगे कहती है क्या तुम दोबारा किसी और पैसेंजर को हाथ लगाकर उसे होश में ला सकती हो। मिशेल कहती है मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ जो किसी को भी हाथ लगाकर उसे होश में लाऊं। लेकिन सेल्वी की बातों के ऊपर से वो फिर से एक बार ट्राई करती है और वो इस बार मार्को को हाथ लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। सेल्वी कहती है तुम्हें ये जो कॉलिंग आ रही है फाइंड हर, हो सकता है इसके वाइफ को तुम्हें ढूंढना होगा। मिशेल कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। सेल्वी कहती है देखो इसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं और तुम्हें भी जेरिड ने डिच किया है दूसरी शादी करके, तो मुझे ऐसा लगता है ये किधर ना किधर कोई ना कोई तो कनेक्शन है। आगे हम फ्लाइट 828 के कुछ पैसेंजर को एक साथ देखते हैं और उनमें फ्लाइट का मेन कैप्टन भी होता है। तभी मिशेल, बैन और सेल्वी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं आजकल में आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ लगा जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ हो गई हो तो बताओ और एक दूसरे के साथ वो शेयर करो ताकि हमें पता चलेगा कि आगे कुछ भी होने वाला है या फिर वो हो चुका है। तभी कैप्टन बैन को इशारा करता है और उसे अकेले में बुलाता है। कैप्टन बैन से कहता है आप लोग इन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या बता रहे हो, ये लोग थोड़ी समझने वाले हैं। बैन कहता है इससे हमें पता चलेगा और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कैप्टन उसे कहता है देखो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और तुम जो समझ रहे हो ये लोग तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प करने वाले नहीं है। कैप्टन आगे कुछ कहता इससे पहले उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है और वो अपनी बात को बीच में ही काट देता है। लेकिन वो जाते जाते बैन से कहता है देखो ये पैसेंजर तुम्हें कोई भी हेल्प करने वाले नहीं है, तुम बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बैन पीछे मुड़कर देखता है, उन दोनों को ऑटोमा कॉक्स देख रही होती है। वो बैन के पास आती है और कहती है सॉरी मुझे इस तरह से आकर आप लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, शायद इसलिए कैप्टन बात करते करते बीच में ही चले गए। बैन कहता है कोई बात नहीं। बैन आगे उसे पूछता है क्या तुम्हें किसी मेजर के बारे में पता है। ये बात सुनकर कॉक्स थोड़ी सी सोच में गिर जाती है और कुछ सोचने के बाद वो बैन से कहती है कि मैंने एक बार ऑफिसर को फ़ोन को स्पीकर पर रख कर बात करते हुए सुना था और वो कह रहा था कि मुझे बहुत सारी कैश की रिक्वायरमेंट है और वो काफ़ी डरा हुआ था। और ये बोलते बोलते बहन को पता चल जाता है कि मेजर कोई लेडीज़ है। वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। बहन जाने के बाद फिर से उसे सीक्रेट मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उसे पढ़कर सेलफोन को वो पानी में फेंक देती है। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं और वो कंप्यूटर में होश में आए पैसेंजर की डिटेल निकाल रही होती है। तभी वहाँ पर जेरिड आ जाता है और मिशेल उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो दोनों जन कुछ बातें करते हैं। जेरिड उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मिशेल काम का बहाना बनाकर उस बात को उधर ही टाल देती है। आगे हम ऑलिव को देखते हैं और वो डैनी के पास हेल्प मांगने आई होती है और वो घर की सारी सिचुएशन उसे बता देती है और वो उसे कहती है कि आप घर पर आ जाओ। कुछ देर बाद बैन घर पर पहुंच जाता है और वो स्केल के साथ गेम खेलता है। उसके बाद वो फिर से जाने लगता है। कार में बैठते ही वो रेडियो ऑन कर देता है और उस पर एरन ग्लोर का शो चल रहा होता है और वो फ्लाइट 828 के बारे में जानकारी दे रहा होता है। तभी एरन कहता है कि यह चैप्टर 6 है, आज मैं बात करने वाला हूँ हॉली ग्रेड के बारे में। और ये बात सुनकर बैन थोड़ा सा शॉक में गिर जाता है और वो सोचने लगता है क्योंकि ऐसा ही सेम नाम कॉक्स ने बैन के सामने लिया होता है। और वो उसे मिलने जाता है और वो उसे पूछता है कि तूने हॉली ग्रेड्स के बारे में क्या पता है। बैन आगे उसे पूछता है कि तुम्हें यह नाम कहाँ से मिला और इसका मतलब क्या है। एरन कहता है कि ये नाम मुझे अपने सोर्सेस से मिला है
और इसका मतलब यह है कि जब फ्लाइट 828 लैंड हुई थी उसके बाद कई सारी मीटिंग लिए गए थे और उसमें ये पता लगाना था कि ये किस तरह से काम करता है। बैन कहता है तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता लगा कर इसके ऊपर ऑपरेशन किया जाए। वो आगे कहता है मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि ये काम सब लेडी मेजर कर रही है। एरन कहता है ऐसा नहीं है लेकिन कुछ बड़ा है और ये कुछ बड़े लेवल पे होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप मैनिफेस्ट सीजन 1 को हिंदी में इस चैनल के ऊपर फॉलो करते हो तो जल्दी इसका मैं सेकेंड सीजन हमारे दूसरे नए चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे हम मिशेल और जेरिड को किसी के घर में जाते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यह घर उस पैसेंजर का होता है जो कि अब होश में आ चुका है। घर में छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह घर 6 नवंबर से बंद था, इसका मतलब फ्लाइट 828 जब लैंड हुई थी उसके 2 दिन बाद। लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ खास नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिशेल उस पैसेंजर से मिलने सेंटर में जाती है। मिशेल उसे अपनी वाइफ के साथ निकाला हुआ फोटो और कुछ डिटेल दिखाती है और वो उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगी। तभी उसे जेरिड का मैसेज आता है और सामने से बैन चला आता है। वो बैन से बात करने आगे बढ़ती है, उसे फिर से एक बार कॉलिंग आ जाती है और ये कॉलिंग नेक्स्ट लेवल की होती है और उसके बॉडी में पूरी तरह से झटका लग जाता है। बैन उसे पूछता है कि क्या हुआ। मिशेल कहती है कि मुझे कॉलिंग आ रही है लेकिन ये अजीब है, मुझे बार बार कुछ ढूंढने को कह रही है। तभी बैन उसे कहता है कि मुझे मेजर का पता चल चुका है और वो एक लेडीज है और वो आगे कहता है कि हो सकता है इसी मेजर को ढूंढने को ये कॉलिंग आ रही होगी। तभी वहाँ पर सैनवी आ जाती है और वो कहती है क्या बात है, सब कुछ ठीक है। बैन कहता है मुझे आज एक लड़का मिला था और वो उसके सोर्सेज के हिसाब से ये पता लगाया है कि मेजर एक लेडीज़ है और वो होली ग्रेस के बारे में भी जानता है। सेल्वी कहती है कि मुझे भी आगे कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी बैन को भी सेलफोन पर एक मैसेज आता है और वो एरन का होता है और वो भी वहाँ से निकलता है। आगे मिशेल और जेरिड बात करते करते किसी के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच जाते हैं। घर का जैसे ही डोर ओपन हो जाता है सामने से एक लेडी गन लेके सामने खड़ी हो जाती है। जेरिड भी अपनी गन लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। फिर आके हमें पता चलता है कि वो लेडीज और कोई नहीं पैसेंजर की वाइफ होती है और उसका नाम होता है पॉल सैंटानोस। पॉल की वाइफ उन्हें कहती है जब मुझे पता चला कि फ्लाइट 828 वापस लौटी है तो ये जानकर मैं काफ़ी खुश हो गई थी और मैं उनका घर पर वेट कर रही थी लेकिन वो घर पर नहीं लौटे। फिर जाकर एक न्यूज़ पता चली कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी दे गई है और मिशेल कहती है कि इसी थेरेपी की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। और ये सुनने के बाद पॉल की वाइफ काफ़ी रोती है, वो कहती है कि आज के बाद वो मुझे कभी नहीं पहचानेंगे, काश ये फ्लाइट लैंड ही नहीं होती। लेकिन मिशेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में को ऑफिसर बैठा हुआ होता है और बैन उसके पास जाकर उसे 5 मिनट्स मांगता है। ऑफिसर उसे 1 मिनट देता है। बैन कहता है मुझे पता लगाना है मेजर के बारे में, जब हम सीक्रेट ऑपरेशन कर रहे थे तब हमने कॉलिंग के ऊपर मेजर का नाम सुना था और वो एक्सपेरिमेंट से लेकर एक्सप्लोजन तक ये सब उसी का ही किया धरा है और मुझे अपनी फैमिली को और पैसेंजर को बचाना है। ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारे ऑफिसर की जान गई है। बैन कहता है कि मेरे वजह से नहीं और वैसे भी उनका ये डिसीजन उनका खुद का था। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाते जाते वो ऑफिसर से ये कहता है कम से कम मेरे लिए नहीं तो अपने सीनियर ऑफिसर के लिए तो ज़रूर करना। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं और वो पॉल की वाइफ की बात सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। जेरिड उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। मिशेल उसे कहती है देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, तुम्हें भी अपनी लाइफ जीने का और उसे सेट करने का पूरा हक है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी ओलिव के घर आता है। ग्रेस डैनी को मना करती है ये कहकर कि ये सही टाइमिंग नहीं है बात करने का। ओलिव कहती है कि मैंने इन्हें इनवाइट किया है। तभी माँ बेटी के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। स्कैल मैसेज कर बैन को घर पर बुला लेता है। बैन को देखकर ग्रेस उसे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है लेकिन डैनी को देखकर बैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं डैनी नहीं हूँ, मैं बैन हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सुनने के बाद डैनी भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने जो इस घर को बिगाड़ के रखा है मैं इसे ठीक करने आया हूँ
और ये सुनने के बाद बैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो डैनी को धक्का मार देता है। उन दोनों झगड़े में ग्रेस काफ़ी परेशान हो जाती है और वो एक बार फिर से बैन का दिल तोड़ देती है। बैन डैनी को वहीं पर रुकाकर वो वहाँ से रोते रोते चला जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मल पब्लिक भी फ्लाइट 828 का बैनर पकड़े हर जगह पे कैंपेन की तरह खड़े होते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है फ्लाइट 828 पूरे 5.5 साल बाद मिराकल से लौटी है और उनमें बैठे सभी पैसेंजर भी लकी पैसेंजर समझकर उन्हें छूकर अपनी विश मांगते हैं, क्योंकि उनका मानना यह होता है कि इन्हें छूने के बाद हमारे लाइफ में भी मिराकल हो सकता है। आगे हम फिर से एक बार मिशेल को देखते हैं और वो सेंटर में जाकर पॉल को काफ़ी भला बुरा कहती है और वो अपना पूरा गुस्सा पॉल पर निकाल देती है। आगे हम जेरिड को देखते हैं जो कि मिशेल के घर पर पहुंच चुका होता है और वो मिशेल से ये कहता है कि मैं ऑफिस से अपने घर पर जाने के बजाय तुम्हारे घर पर पहुंच चुका हूं। पता नहीं क्यों मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता हूं? मुझे नहीं पता। तभी जेरिड थोड़ा सा रुक जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम ही थी जो मुझे मौत के दरवाजे से वापस लेकर आई थी। फिर वो दोनों जन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली वो दोनों जन एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ बैन कार में बैठकर रो रहा होता है, तभी उसे को ऑफिसर का फ़ोन आता है। वो कहता है तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, जब तुम लोग मिशन पर थे वहाँ से एक ब्लैंक कॉल ट्रैवल किया था और इसी वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा और एक बात, तुम्हें जिस मेजर की तलाश है वो आज शाम 6 बजे न्यूयॉर्क सिटी में आने वाली है। वहाँ से बैन सीधे सेंटर पहुँच जाता है। वहाँ मिशेल और फ्लोना और बैन तीनों मिलकर इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तभी मिशेल को एक फिर से कॉलिंग आती है, लेकिन इस बार ये कॉलिंग मिशेल को कुछ दिखाने की कोशिश करती है, एक बर्फीला इलाका और एक इंसान के पंजे का निशान। लेकिन मिशेल आगे कुछ देख पाती इससे पहले कॉलिंग चली जाती है। इसके ऊपर मिशेल कहती है जब मुझे कॉलिंग आती थी तो मेरे दिमाग में आती थी, लेकिन ये कॉलिंग अजीब है, ये कॉलिंग मेरे दिमाग में आने से ज़्यादा मुझे पेन फील करवाती है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसी रात को ऑफिसर को भी कुछ लोग पकड़ कर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हमें अंटमा कॉक्स दिखाई जाती है। वहाँ एक आदमी आता है और वो उसके नाम से पुकारता है और वो आगे कहता है आप शायद कुछ ढूंढ रही हो, शायद फ़ोन। तब वो पीछे मुड़कर देखती है, वो ऑफिसर उसे फ़ोन दिखाकर ये कहता है आपका फ़ोन शायद पानी में गिर गया था। और ये एटीट्यूड देख के कॉक्स थोड़ी सी डर जाती है और वो ऑफिसर उसे कहता है कि हमारे साथ चलो, मेजर तुम्हारा वेट कर रहा है। आगे हम बैन और मिशेल को एक साथ देखते हैं। तभी वहाँ पर सेल्वी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने मेजर का पता लगा लिया है। वो आगे कहती है उन लोगों को ये पता लगाना है कि ये एक्सपेरिमेंट किस वजह से फेल हुआ था और इसके पीछे कौन था। बैन को एक सेकंड भी नहीं लगता कि ये सोचने में कि वो स्केल के पीछे पड़े हैं। फिर हमें स्केल दिखाया जाता है और वो नींद में वही कॉलिंग को देखता है जो कि मिशेल देख रही होती है। बस फर्क इतना होता है कि मिशेल जिस कॉलिंग को आधे पे देख रही थी वो उसे आगे देखता है। उस कॉलिंग में हम आगे देखते हैं कि एक शख्स एक फ़ोटो पकड़कर आगे चल रहा है और उस फोटो में और कोई नहीं मिशेल होती है। और ये जानने के बाद स्केल अपनी आँखें खोल देता है। तब उसके हाथ भी ठंडे पड़कर बर्फ की तरह जमने शुरू हो जाते हैं, मानो स्केल उस वक्त उस जगह पे मौजूद हो। और इसी के साथ सीजन 1 का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी को और वेब सीरीज़ को हम इस चैनल के ऊपर हिंदी में प्रेजेंट करते हैं।